अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान साइंस क्लब में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही सिंपल और इनोवेटिव प्रोजेक्ट जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। और ये माइक्रोस्कोप काफ़ी सादा अशिया से जो है हम उसको बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें दो सिरिंजेस, पाइप, एक किसी बोतल का कैप, हमारे पास केचप का जो है वो कैप है, कॉइन बैटरी, LED, एक लेज़र लाइट में मौजूद एक माइक्रो लेंस। ये जो लेंस है ये माइक्रो लेंस होता है जो कि किसी भी बच्चों की जो लेज़र लाइट होती है उसके अंदर मौजूद होता है, ये हम लेंगे। इसके साथ हमें चाहिए होंगी आइसक्रीम स्टिक्स, चार्ट शीट का एक पीस। पहला स्टेप ये होगा कि हम कार्डबोर्ड का एक पीस लेंगे जिसमें 6x10 इंच का जो है हमने कार्डबोर्ड पीस हमने ले लिया है। इस कार्डबोर्ड पीस के ऊपर हम वर्टिकली जो है चार स्टिक्स लगाएंगे और उसके चारों स्टिक के साथ ऊपर एक स्क्वायर बना देंगे, यानी कि हम यहाँ पर वर्टिकली एक, दो यहाँ पर, और फिर इसको इस तरह से हमने अटैच कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने बनाया है इसको स्मार्टफोन के को इसके ऊपर रखने के लिए। अगर ये ज़्यादा इस तरह वाइब्रेट करेगा तो हम इसके लिए जो है यहाँ पर इस डायरेक्शन में भी आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे। अब जब स्मार्टफोन रख दिया हमने तो ये इस तरह देखते हैं, ये वाइब्रेट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे इन सिरिंजेस को इस्तेमाल करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए कह सकते हैं इसका प्लेटफॉर्म बनाएंगे। पहला काम ये होगा कि हम इस केचप के कैप को ऊपर से काट लेंगे। ये जो हिस्सा है सिरिंज की, ये जो कॉलर वाला हिस्सा है ये इसके अंदर जाना चाहिए, तो इसलिए हमें इस कैप का जो ये सुराख है इस सुराख को बड़ा करना होगा इस सीज़र की मदद से। बैलेंस कर लेते हैं ताकि हमारी सिरिंज जो है वो प्रॉपरली इसके अंदर जा सके। बिल्कुल भी अगर ये इस तरह से है या इस तरह से है तो ये हमारे पर काम नहीं करेगा, तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, तो आप स्ट्रेट रखना होगा। और आप स्ट्रेट रख के इसको मैं यहाँ पर ग्लू लगा दूँगा। ग्लू लगाने से पहले मुझे एक और होल यहाँ पर करना है ताकि मैं पाइप को इंसर्ट कर सकूँ। तो इसके लिए भी जो है मैं सीजर का इस्तेमाल करूँगा, ये क्योंकि पेपर, ये प्लास्टिक काफ़ी हल्का प्लास्टिक होता है तो इसके अंदर सुराख करना काफ़ी आसान होता है, तो इसको हम आसानी से इसके अंदर सुराख कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर से जो है पाइप को डाल देता हूँ और यहाँ से निकाल दूँगा और इस सिरिंज के ऊपर जो है इस पाइप को मुझे लगाना होगा। ये पाइप इसके ऊपर जो है मैंने लगा दी है और मैं थोड़ा सा यहाँ पर ग्लू लगा दूँगा ताकि ये मज़बूत हो जाए। यहाँ पर जो है ग्लू लगाता हूँ कॉलर पे ताकि मैं इसको कैप के ऊपर जो है वो फिक्स कर सकूँ। और इसको मुझे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल 90 डिग्री पर हो और नीचे से ये इस तरह हो, ये जो पाइप है ये बेंड नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर हमने एक ट्रांसपेरेंट शीट, तो ट्रांसपेरेंट कप का ये वाला हिस्सा है ये हम लगा सकते हैं ताकि ये बेसिक स्टेज बनाएगा जिसके ऊपर हम कोई भी ऑब्जेक्ट, इंसेक्ट्स, बग, कोई भी इसके ऊपर रखें हम इसको ऑब्जर्व कर सकें। तो हमने इसे राउंड जो ये पीस है ये कट कर लिया है, ये हम ग्लू की मदद से इसके ऊपर इस तरह से लगा देते हैं। ठीक, थोड़ा सा इसको हमने टेढ़ा करके लगाना है ऐसे। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमने इसके ऊपर, इसके नीचे से जो लाइट का सोर्स हमने पैदा करना है, और ये जो लाइट का सोर्स है इसके लिए हमें चाहिए होगी एक LED और कॉइन बैटरी।
तो हम यहाँ पर जो है एलईडी और कॉइन बैटरी को लगा देंगे। जैसे ये हमारे पास एलईडी है, इस एलईडी को जो है मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम एलईडी जब चेक करना होगा तो एलईडी इसके नीचे ला जाएंगे, यहाँ से लाइट की सोर्स जो है वो ऊपर की तरफ आएगी। हमने जो है पाइप के दूसरे सिरे पर हमने सिरिंज लगा देनी है और सिरिंज लगाने के बाद जो है हम इसको इस पर पानी भर लें या पानी के बिना भी ये काम करेगा, तो हम इसको फ़िलहाल पानी के बिना जो है हम काम करके देखते हैं। अब जैसे हम उसको ऊपर करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, वापस करेंगे तो ये वापस आएगा, तो हमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है, स्लो स्लो। अब क्यों ऊपर नीचे ज़रूरत है इसकी, वो हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट की डेप्थ, ऑब्जेक्ट का जो एरिया है, ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है वो फोकल लेंथ पे ऊपर फोकस के ऊपर काफ़ी इम्फेक्ट करता है। यानी मोबाइल की जो फोकस है वो तकरीबन सेम होता है, वो जो मोबाइल जिस चीज़ को ऑब्जेक्ट जिस एरिया को जो फोकस कर रहा होगा वो एक पर्टिकुलर होता है, तो हमें फोकस को एडजस्ट करने के लिए जो है ये प्लेटफॉर्म हमें बनाना पड़ा। मोबाइल को भी आप ऊपर नीचे करके कर सकते हैं बस, लेकिन वो एक मुश्किल काम होता है, ज़्यादा टिपिकल होता है, तो हमने इसलिए ये सिस्टम किया है। अब हमने क्या करना है, सिंपली हमने इस वाले हिस्से को, इस प्लेटफॉर्म को भी इस तरह से इस पर रख देना है और मोबाइल को जो है, याद रखें ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो अंदर की तरफ होगा और मोबाइल को हम इसके ऊपर रख के जो कैमरा वाला हिस्सा है वो यहाँ पर हम इसको रख दिया करेंगे। तो अभी हमारा तकरीबन काफ़ी हद तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, एक स्टेप बाकी है। एक स्टेप में बाकी है कि हमारे पास जो लेंस है, लेज़र लाइट से जो हमने निकाला था, वो हमने मोबाइल की कैमरा के आगे हमने लगाना है। वो ये है कि हमने स्ट्रिप के बजाय जो लेंस को जो है डायरेक्टली ट्रांसपेरेंट टेप से जो है बिल्कुल कैमरे के बिल्कुल ऊपर जो है हमने लगा दिए हैं।